gentlemen, today I am again here with some amazing vocabulary which your ears encounter in your daily life, but you don't know their meaning in English. So, without wasting any single moment, let's get going. The first word is pakode. Pakode. Pakode ko English mein kehte hain fritters. Fritters. This is Amar Chaudhary and you are watching my YouTube channel, The Logical Aspect. Ladies and gentlemen, today I am again here with some amazing vocabulary which your ears encounter in your daily life, but you don't know their meaning in English. So, without wasting any single moment, let's get going. The first word is pakode. Pakode. According to English, we call it fritters. Fritters. Dahi bade. Dahi bade. Lentil dumpling in yogurt sauce. Lentil dumpling in yogurt sauce. In Urdu, we call it dahi bade. For English, we call it such a big love. Which is lentil dumpling. Yogurt sauce. Samosa. English में समोसे को समोसा भी कहते हैं, लेकिन अगर exact हम देखें, जो कि English में pronounce किया जाता है, that is patty. Patty. Gol gappe. Gol gappe. गंडेरी कहते हैं इसको और ये गन्ने का एक पीस होता है शुगर केन का जिसको गंडेरी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में और इसको इंग्लिश में कहते हैं शुगर केन पीस. शुगर केन पीस. लस्सी. लस्सी को इंग्लिश में लस्सी भी कहते हैं बट वे इंग्लिश में वे वे भी कहते हैं. दही. दही को इंग्लिश में कहते हैं योगर्ट. योगर्ट. योगर्ट या कर्ट. लेमू पानी. लेमू पानी को कहते हैं लेमोनेड. लेमोनेड. बादाम. बादाम को काफी लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं और कहते हैं आलमंड. इसमें एल साइन साइलेंट होता है और इसे प्रोनाउंस किया जाएगा आलमंड. आलमंड. ये आलमंड नहीं होगा. आलमंड नहीं होगा या आलमंड नहीं होगा. ये होगा आलमंड. एल साइलेंट. काजू. कैश्यू. कैश्यू नट. कैश्यू नट. काजू को इंग्लिश में कहते हैं कैश्यू नट. शकरकंदी. शकरकंदी जिसको आम जबान में शकरकंदी भी कहा जाता है तो इंग्लिश में इसे कहते हैं स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो. मूंगफली. मूंगफली. मूंगफली को इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंडनट या पीनट. जो छिली हुई मूंगफली होती है उसे पीनट कहते हैं और जो छिलके वाली होती है उसे ग्राउंडनट कहते हैं. खुबानी. खुबानी को इंग्लिश में कहते हैं एप्रिकॉट. एप्रिकॉट.
ओली ओली को इंग्लिश में कहते हैं रेडिश, रेडिश। अखरोट, अखरोट को इंग्लिश में कहते हैं वॉलनट, वॉलनट। फलूदा, फलूदे को इंग्लिश में कहते हैं फ्लमरी, फ्लमरी। लुकमा, या निवाला, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोर्सेल, मोर्सेल। नस्वार, नस्वार को इंग्लिश में कहते हैं क्विट, क्विट। ये जल्दी में होता है जरा, क्विट। सिरका, सिरके को कहते हैं विनेगर, विनेगर। हल्दी, हल्दी को कहते हैं टर्मेरिक, टर्मेरिक। वैसे होता है आम जबान में गलत प्रनाउंस किया जाता है जिसमें टर्मेरिक कहते हैं, लेकिन दिस वुड बी टर्मेरिक, टर्मेरिक। चटनी, चटनी को इंग्लिश में सॉस कहा जाता है, सॉस। दलिया, दलिया को इंग्लिश में पॉरिज कहा जाता है। मटर, मटर, मटर को इंग्लिश में पीस कहा जाता है, पीस। दाल, दाल को इंग्लिश में पल्स कहा जाता है, पल्स। खीर, खीर को इंग्लिश में कहा जाता है राइस पुडिंग, राइस पुडिंग। So these were some common English. जरूर पहन, कनपोश जरूर पहन। यू मस्ट वियर द
मफ्स कहा जाता है, कान पोश को ईयर मफ्स कहा जाता है. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your host Ahmad Chaudhary, and you are watching my YouTube channel, The Logical Aspect. Today, I am going to teach you some amazing 20 kitchen sentences which are normally spoken in our kitchen. So let's get going. Salad bahut namkeen. Hamara pehla sentence. Salad bahut namkeen hai. So this would be in English. Curry is too salty. Curry is too salty. Khana dobara garam kar do. Khana dobara garam kar do. मसालों के डब्बे कहाँ हैं? मसालों के डब्बे कहाँ हैं? Where are the spices containers? Where are the spices containers? तब तक पकाओ जब तक गोश्त अच्छे से गल ना जाए. तब तक पकाओ जब तक गोश्त अच्छे से गल ना जाए. Cook until the meat is very tender. Cook until the meat is very tender. खीर ज्यादा मत पकाना. खीर ज्यादा मत पकाना. Don't overcook the rice honey. Don't overcook the rice honey. देखें इन जुमलों को, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है. इनको देखें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ यूज कर सकते हैं. For example, this one is the sentence is don't overcook the rice pudding, but you can use it in different situations. For example, I don't like to have rice pudding. Hey mom, could I have today rice pudding? Please do not like rice pudding just because I don't like it too. So you can use this sentence and these all sentences according to the situation and with variety. So let's get another sentence. Please chawal chulhe par chadha do. Please chawal chulhe par chadha do. Please put the rice on the stove. Please put the rice on the stove. Dekhe jitni bhi cheeze hoti hain jinko hum chulhe par rakhte hain chadhate hain, उनको आप चावल की जगह दे सकते हैं, चावल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. So this would be please put the rice on the stove. कद्दू छील दिया, इसका मतलब है ये सवाल पूछा जा रहा है कभी कभी, इसका मतलब ये है क्या कद्दू छील दिया. So this would be in English. Have beat the goat. Have beat the goat. जो पीलिंग्स होते हैं, जो कद्दू के छिलके होते हैं, उनको कहते हैं पीलिंग्स. पीलिंग्स. So this would be have peeled the gourd. कद्दू छील दिया. क्या कद्दू छील दिया? Let's get on another sentence. गाजर कद्दूकश कर दो. गाजर कद्दूकश कर दो. Grate the carrot. Grate the carrot. प्याज काट दो. प्याज काट दो. Chop the onions. ये लफ्ज ना ही अनियन है, ना ही ऑनियन है और ना ही ऑनियन है. This is onion. So this would be chop the onions. खाना बहुत मजे का है. The meal is delicious. खाना बहुत मजे का. The meal is very delicious. अब very भी कह सकते हैं. The meal is delicious. मुझे खाना लगाना है.
मुझे खाना बनवाना है. आई हैव टू सर्व द मील. आई हैव टू सर्व द मील. जरा नमक इधर करना. जरा नमक इधर करना. मुख्य सिचुएशन पे खाना खाते वक्त रेस्टोरेंट के होटल्स पे घर में भरे मुंह बातें मत करो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. भरे मुंह बातें मत करो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. खाना हड़प मत करो. डोंट गल्प योर मील. खाना हड़प मत करो. डोंट गल्प योर मील. ज्यादा तेज मत खाओ. ज्यादा तेज मत खाओ. Don't eat so fast. Don't eat so fast. खाना कब तैयार होगा? नॉर्मली बोला जाता है जब हम यूनिवर्सिटी से घर आते हैं, काम से घर आते हैं, तो सबसे पहले ये तीन वक्त जुमला पूछा जाता है. हर शख्स से पूछता है सुबह को ब्रेकफास्ट में, दोपहर को और रात को कि खाना कब तैयार होगा. सो दिस वुड बी इन इंग्लिश. When will the meal be ready? When will the meal be ready? धुली प्लेटों को खुश्क कर दो. Dry all the washed dishes. Dry all the washed dishes. खड़े होकर पानी मत पियो. खड़े होकर पानी मत पियो. Don't drink water while standing. Don't drink water while खाते हुए ठीक से बैठो. खाते हुए ठीक से बैठो. Sit properly while eating. Sit properly while eating. ये सारे जितने भी जुमले हैं ये नॉर्मली हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो why not to speak it all sentences in English? This will be better and this is given the opportunity. हर रोज बोला जाता है. माएँ अपनी बेटियों से या बेटियों से कहती हैं
सालन पकारी होती हैं तो वो कहती हैं कि इसमें चम्मच हिलाते रहो, स्टर कांस्टेंट लगातार हिलाते रहो, स्टर कांस्टेंट। आंच तेज कर दो, ये जुमला नॉर्मली बोला जाता है हमारे घरों में, आंच तेज कर दो। सो दिस वुड बी इन इंग्लिश टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट। अब संसियन समटाइम्स आंच धीमी कर दो, आंच धीमी कर दो, टर्न डाउन द हीट। पानी उबलकर खत्म हो गया, the water has boiled away, पानी उबलकर खत्म हो गया, the water has boiled away, दूध उबलकर बह रहा है, दूध उबलकर बह रहा है, the milk is boiling over, the milk is boiling over। प्याज को भून लो, प्लीज प्याज को भून लो, प्लीज फ्राई द अनियन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लव्स ना ही ऑनियन होता है और ना ही आनियन होता है, दिस इज अनियन, प्लीज फ्राई द अनियन। I am baking the chapatis, I am baking the chapatis, main rotiyan bel rahi hu, main rotiyan bel rahi hu, I am rolling the chapatis, I am rolling the chapatis। choti choti luiyan bana do, choti choti luiyan bana do, roll the dough into small balls, roll the dough into small balls, जिसको कहते हैं टेढ़े बना दो, छोटे छोटे टेढ़े बना दो या छोटी छोटी लुइयां बना दो, roll the dough into small balls। आटा गूंथ दो, आटा गूंथ दो, knead the dough, knead the dough, थोड़ा सा पानी डाल दो, pour into water, थोड़ा सा पानी डाल दो, और a little water, little के साथ यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ, that is mistake, तो little जब भी यूज होता है तो उसके साथ ए का यूज होना लाजमी है, क्योंकि जब लिटल लव्स खुद आता है इसके साथ ए यूज नहीं होता तो इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, जब इसके साथ ए यूज होगा तो इसकी मीनिंग, तो लिटल लव्स को अकेला यूज would be pour a little water, turn the flat bread upside down, roti palta, roti palta, turn the flat bread upside down, chai chan lo, chai छान, स्ट्रीम द टी, छानने को कहते हैं स्ट्रीम, स्ट्रीम द टी, चपड़ी रोटी बना दो या चोपड़ी रोटी बना दो, जो घी लगाकर बनाई जाती है इसे चोपड़ी रोटी कहते हैं, ये पराठा नहीं होता ये चोपड़ी रोटी, ये द डिफरेंस। मेक स्मीयर्ड ब्रेड, मेक स्मीयर्ड ब्रेड, जो पराठा होता है उसको इंग्लिश में पराठा ही कहा जाता है, लेकिन जो चोपड़ी रोटी है इसको स्मीयर ब्रेड कहा जाता है, दिस वुड बी मेक स्मीयर
Atta chan. Atta chan. Sift the floor. लेकिन एक होता है फूल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर और नॉर्मली इसको रोम प्रोनाउंसिएशन के साथ कहा जाता है फ्लावर। ये फ्लावर नहीं होता, ये होता है फ्लावर। और फूल की और आते की दोनों की प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में सेम है विद डिफरेंट स्पेलिंग। दोनों की प्रोनाउंसिएशन होती है फ्लावर लेकिन मीनिंग अलग अलग है और स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम। सिफ्ट द फ्लोर, तवा गरम करो, तवा गरम करो, तवा गरम करो। तो दिस वुड बी प्री हीट द ग्रिडल, तवे को इंग्लिश में ग्रिडल कहते हैं और प्री हीट को कहते हैं पहले गरम करते हैं। सो दिस वुड बी लाइक Preheat the griddle. अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी